बिहार में करप्ट और घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ निगरानी विभाग की छापेमारी अभियान जारी है। इस कड़ी में विजिलेंस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सीतामढ़ी में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार को निगरानी की टीम ने ट्रैप किया है, जो किराए के मकान में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। उसे निगरानी की टीम अपने साथ पटना लेकर आई है। उधर राजधानी में उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है, जहां पर निगरानी खजाना हाथ लगा है। इस दौरान अकूत संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। इस तरह से सबसे बड़ा घुसखोर निगरानी के चक्रव्यूह में फंस चुका है। देखते हैं आगे इनकी कितनी अकूत संपत्ति का खुलासा होता है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम के द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और उसी क्रम में इनका पटना स्थित इस आवास पर हाउस सर्च की कार्रवाई की जा रही है और हाउस सर्च निगरानी टीम के द्वारा की जा रही है। प्रक्रिया जारी है। अभी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और जो राशि बरामद किए गए हैं, सबका मूल्यांकन किया जा रहा है और फाइनली शाम तक में स्थिति। निगरानी विभाग के द्वारा ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। ये यहाँ आपके नवीन कुमार, जो कि औषधि निरीक्षक के रूप में कार्यरत है सीतामढ़ी में, इन्होंने विनोद कुमार सिंह, जो यहाँ पे आपके एम्पल रेमेडी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दवा का संचालन करते हैं कंपनी का, तो उसके भौतिक सत्यापन के लिए इनसे 75,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। और इनके ही एक दोस्त है मुकेश, जो कि वो अपना मेडिकल चलाते हैं, तो भी इनके द्वारा बोला गया था कि इनसे 2 लाख रुपये राशि लेकर देना है। तो आज ये अपने आवास पर 75,000 रुपये विनोद कुमार सिंह के द्वारा और मुकेश कुमार सिंह से 1,25,000, यानी कि टोटल 2 लाख रुपये ये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों निगरानी टीम के द्वारा पकड़े गए हैं। किचन अब सीरियल बढ़ाइए 10 kg, यही भी कर देते हैं। हाँ सीरियल बढ़ाइए। सिलेंडर दो, गैस सिलेंडर, इंडियन का, इंडियन है, इंडियन का, इंडियन है, इंडियन गैस सिलेंडर, दो रुपये हो जाएगा। पांडे जी बुला 8:42।